अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है, कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम लोग जाएंगे ब्रिक्स कंपनी पर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं ब्रिक्स कंपनी पर। पहले करेंगे नाश्ता। ये रहा हमारा नाश्ता, मीठी ब्रेड और साथ एक कप चाय, यानी मीठी ब्रेड, दूध, अंडा। और आप लोग समझ गए होंगे, तो सीधा चलते हैं भट्ठे पर। ये हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिक्स कंपनी पर। तो आपको सबसे पहले बताते चलें कि ईंटों की बहुत सारी किस्में होती हैं। अव्वल ईंट, बारशी ईंट, दोम ईंट और खिंगर ईंट, छांट, ये सब ईंटों की किस्में हैं। तो हमारी तो ब्रिक्स कंपनी है, तो इसे मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बताऊंगा और देखते ही अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सी ईंट कितने पानी में है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप जिससे भी ईंटें लेते हैं ना, वो ब्रिक्स कंपनी से ही आके ईंटें लेते हैं। यानी कुछ लोग थोक रेट पर सस्ती ईंटें देते हैं, लेकिन वो बोलते यही हैं, ज़बान उनकी यही होती है कि अच्छी क्वालिटी वाली ईंट है, लेकिन नज़र से देख के खुद सेलेक्ट करने में अपना ही मज़ा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखें, थोक रेट पर आप जिससे भी ईंटें लेंगे ना, वो आपकी क्वांटिटी तो पूरी कर देगा, लेकिन क्वालिटी वो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि क्वालिटी सिर्फ कंपनी देती है और उसने आप लोगों को सिर्फ क्वांटिटी पूरी करनी है। और ज़ाहिर बात है, वो थर्ड पार्टी है, तो उसने अपना फ़ायदा तो देखना होगा, अपना कमीशन निकालेगा और आपकी क्वांटिटी पूरी कर देगा। तो जब भी आपको ईंट चाहिए हो ना, तो आप ब्रिक्स कंपनी पर जाया करें। अगर आप लोगों के पास ब्रिक्स कंपनी से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, तो आप लोग मुझे कॉल करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ जी, इधर जगह नहीं ना जोड़न दी, और सामने इजीली जुड़ जाएगी। ये निकासी दोनों तरफ से खुली हुई है, इस वजह से मैं इससे पूछ रहा था। उधर ख़त्म बंद करवा दी थी इसने, कुरान इधर करना। निकासी ईंटें निकालने को कहते हैं, और ब्रिक्स कंपनी पर हर डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट बंदे होते हैं। जैसे कच्ची ईंटें बनाने के लिए अलग बंदे होते हैं, अलग लेबर होती है। लेबर को आज थोड़ी छुट्टी दी हुई है, इस वजह से आप लोगों को उस एरिए का नज़ारा नहीं दिखा सकता, बल्कि दिखा तो सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये आप लोगों के सामने पकी हुई ईंटें, इतों बंद किया ना, जिस टाइम अग लगी होती उस टाइम खोली देना इन, इतों फिर स्मोक का एग्जास्ट पॉइंट होता है, चिमनी तक कनेक्ट कर देना। ईंटें पकाना जलाई वालों का काम होता है, यानी कोयला वगैरह हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, उन्होंने कोयले की मदद से ईंटें पकानी होती हैं। ये आप लोगों को किसी और वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो ये इधर एक बंदा निकासी कर रहा है, 1000 ईंट बाहर निकालने का इसे 250 मिलता है, इसका डेली बेसिस का काम है। ये 6-7 हज़ार ईंटें आसानी से निकाल लेता है। मर गया मजदूर बेचारा, वेखो जी। हमारा जो उनसे मुंशी है वो फैसलाबादी है, इस वजह से ब्रिक्स कंपनी पर दिल लगा रहता है। ये ईंटों का ऑर्डर आया हुआ था, तो उनकी ईंटें जा रही हैं। और अगर आप लोग सरायलम गीत से हैं, तो आप लोग काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं इस ब्रिक्स कंपनी से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।